राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अधिक मास में पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा का 10वां अध्याय। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा का 10वां अध्याय सुनने मात्र से भगवान श्री हरि की आप पर विशेष अनुकंपा होगी, आपका सोया हुआ भाग सदा के लिए जाग जाएगा। बंधुओं, आपके सभी काम बनने लगेंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। बोलो कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और भी जो पर्व हैं, पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक आदि मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ बैसाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मल मास सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगा कि कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्म जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकती हैं? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, तू दुखी और नादान है, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसे तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसे ही कर। और भी जो कुछ होने वाला है सो सुन, मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था। इसलिए तुझको श्राप नहीं देता हूँ कि तू बालक है और अपने शुभ अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर वह महाक्रोध तपस्वी मुनि झटपट चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर जी की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में जाकर वह कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी कहते हैं, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा करने लगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं,
पुरुषोत्तम मास में श्री बांके बिहारी चालीसा सुनने का भी बहुत महत्व है। अब मैं आपको श्री बांके बिहारी चालीसा सुनाने जा रही हूँ। बांके चितवन कटी लचक, बांके चरण रसाल, स्वामी श्री हरिदास के बांके बिहारी लाल। जय 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 श्री बांके बिहारी, हम आए हैं शरण तिहारी, स्वामी श्री हरिदास के प्यारे भक्त जनन के नित रखवारे। श्याम स्वरूप मधुर मुस्काते, बड़े बड़े नैन नहे बरसाते, पटका पाग पिताम्बर शोभा, सिर सिर पेच देख मन लोभा। तिरछी पाग मोतिलर बांकी, शीश टिपारे सुंदर झांकी, मोर पांख की लटक निराली, कानन कुंडल लट घुंघराली। नथ बुलाक पे तन मनवारी, मंद हसन लागे अति प्यारी, तिरछी गिर्व कंठ मणिमाला, उर पे गुंजा हार रसाला, कांधे साजे सुंदर पटका, गोटा किरण मोतिन के लटका, भुज में पहर अंग रख झीनो, कटी काचनी अंगड़क लीनो, कमर बंधा की लटकन न्यारी, चरण छुपाई शी बांके बिहारी। इकलाई पीछे से आई, दूनी शोभा दई बढ़ाई, गादी सेवा पास विराजे, श्री हरिदास छवि अति राजे। घंटी बाजे बजत न आगे, झांकी पर्दा पुनि पुनि लागे, सोने चांदी के सिंहासन, छत्र लगी मोती की लटकन। बांके तिरछे सुघर पुजारी, तिनकी हू छवि लागे प्यारी, अतर फुलेल लगाए सिहावे, गुलाब जल के सर बरसावे, दूध भात नित भोग लगावे, छप्पन भोग भोग में आवे। मंगसिर सुदी पंचमी आई, सो बिहार पंचमी कहाई, आई बिहार पंचमी जबते, आनंद उत्सव होवे तब से। बसंत पांचे साज बसंती, लगे गुलाल पोशाक बसंती, होली उत्सव रंग बरसावे, उड़त गुलाल कुमकुम पे लावे। फूल डोल बैठे पिए प्यारी, कुंज विहारी कुंज बिहारी, जुगल स्वरूप एक मूरत में, लखो बिहारी जिस सूरत में। श्याम स्वरूप है बांके बिहारी, अंग चमकशी राधा प्यारी, डोल एकाशी डोल सजावे, फूल फूल छवि चमकावे, आखा तीज पे चरण दिखावे, दूर दूर के प्रेमी आवे। गर्मिन भर फूलन के बंगला, पटका हार फूलन के झंगला, शीतल भोग फुहारे चलते, गोटा के पंखान झलते, हरियाली तीजन को झूला, बड़ी भीड़ प्रेमी मन फूला। जन्म अष्टमी मंगल आरती, सखी मुदित निज तन मन वारती, नंद महोत्सव भीड़ अटूट, सवा पहर कंचन की लूट। ललिता छठ उत्सव सुखकारी, राधा अष्टमी की चाव सवारी, शरद चांदनी मुकुट धरावे, मुरली धर के दर्शन पावे, दीप दिवारी हटरी दर्शन, निरखत सुख पावे प्रेमी मन। मंदिर होते उत्सव नित नित, जीवन सफल करे प्रेमी चित, जो कोई तुम्हें प्रेम से ध्यावे, सोई सुख कन वांछित फल पावे। तुम हो दीन बंधु ब्रजदायक, मैं हूँ दीन सुनो सुखदायक, मैं आयो तेरे द्वार भिखारी, कृपा करो श्री बांके बिहारी। दीन दुखी के संकट हरते, भक्तन पे अनुकंपा करते, मैं हूँ सेवक नाथ तुम्हारो, बालक के अपराध विसारो, मोको जग संकट ते घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। विपता ते प्रभु आप बचाओ, कृपा करो मोको अपनाओ, श्री अज्ञान मंद मति भारी, दया करो श्री बांके बिहारी। बांके बिहारी विनय पचासा, नित्य पढ़े पावे निज आसा, पढ़े भावते नित प्रति गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। धन परिवार बढ़े वे पारा, सहज होए भव सागर पारा, कलयुग के ठाकुर रंग राते, दूर दूर के प्रेमी आते। दर्शन कर निज हृदय सिहाते, अष्ट सिद्धि नव निधि सुख पाते, मेरे सब दुख हरो दयाला, दूर करो माया जंजाला। दया करो मोको अपनाओ, कृपा बिंदु मन में बरसाओ, ऐसो मन कर देऊ मैं निरखो श्यामा श्याम, प्रेम बिंदु दृगते झरे वृंदावन विश्राम।
भूलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।